लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। नवोजवं मारुततुल्यवेगं तेन्द्रियंबोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आदरणीय श्री अध्वरेश पांडे जी अपना पाठ प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम। श्री जानकी वल्लभ विजयते। सुजे सुंदर आश मुनि रखी हर्षे राजीव नयन सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आयउ ले। मुनि कहु राम दंडवत कीना आशीर्वाद बिप्रवर दीना देखी राम छवि नयन जुड़ाने करि सन्मानु आश्रम हियाने मुनि वर अतिथि प्राण प्रिय पाए कंद मूल पल मधुर मगाए सिंह सौमित्रि राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सुहाए बाल्मीकि मन आनंद हारी मंगल मूरति नयन निहारी तब कर कमल जोरी रघुराई बोले वचन श्रवण सुखदाई तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा बेस्व बदर जिमी तुम्हरे हाथा अस कही प्रभु सब कथा बखानी जेही जेही भांति दीन बनु रानी तात बचन पुनिमा तुहता भाई भरत अस राम मुँ कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाऊ देखी पाय मुनि राय तुम्हारे भय सुकृत सब सुफल हमारे अब जह राउर आय सुहोई मुनि उद्वेगु न पावे कोई मुनि तापस जिन ते दुख लही ते नरेश बिनु पावक दही मंगल मूल बिप्र परितोषु दही कोटि कुल भूसुर रोषु तह रुचि रुचिर परन तिन साला बासु करौं कछु काल कृपाला सहज सरल सुनी रघुबर बानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी कस न कहूं अस रघुकुल के तू तुम पालक संतत श्रुति से तू श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की जो सहस शिशु अही सुमहि धरु लखनु सचराचर धनी सर सुर काज धरि नर राज तनुच चल दलन खल निसिचर अनी राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकत अपार नेति नेति नित निगम कह जगु पे खन तुम देख निहारे विधि हरि संभु नचाव निहारे तेउन जान ही मरम तुम्हारा और तुम ही को जान निहारा सोई जान ही ते देहु चनाई जानत तुम ही होई जाई तुम्हेरी ही कृपा तुम ही रघुनंदन
जानहि भगत भगत और चंदन चिदानंद मय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी नर तनु धरे हूँ संत सुर काजा कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा राम देखि सुनि चरित तुम्हारे जड़ मोहि बुध होहि सुखारे तुम जो कहूँ करहूँ सब साचा जस काछिय तस चाहिए नाचा पूछे मोहि की रहो कहाँ मैं पूछत सक चाहूं जहन हूं कह दे तुम ही देखाओ सुने मुनि बचन प्रेम रस ताने सकुचि राम मन महु मुसुकाने वाल्मीकि हसी कहीं बहोरी बानी मधुर अमीय रस बोरी सुनहु राम अब कहूं निकेता जहां बसहु सिय लखन समेता जिनके श्रवण समुद्र समान कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना बरहि निरंतर होहि न पूरे तिनके ही तुम कहते रूरे लोचन चातक जिन करी राखे रही दरस जलधर अभिलाखे निद रही सरित सिंधु सर भारी रूप बिंदु जल हो ही सुखारी तिनके हृदय सदन सुखदायक बसहु बंधु सिय सह रघुनायक दस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जीहा जासु मुक्ताहल गुनगन चुनई राम बसहु ही सासु प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सादर जासु लहि नित नासा तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही शीस नवही सुर गुरु बिच देखी प्रीति सहित करी विनय विसेखी कर नित करही राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं जा चरण राम तीरथ चली जाही राम बसहु तिनके मन माही मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा पूजहि तुमहि सहित परिवारा तर्पण होम करहि विधि नाना विप्र जेवाय देहि बहुदाना तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी सकल सभा सकल भाय सेवाहि सनमानी सब करी मांगही एक पलु राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसम सिय रघुनंदन दो काम कोह मद मान न मोहा लोभ न छोभ न राग न द्रोहा जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरिस प्रशंसागारी कहि सत्य प्रिय बचन बिचारी जागत सोवत शरण तुम्हारी तुम्ही छाड़ी गति दूसर नाही राम बसहु तिनके मन माही जननी सम जानही पर नारी धनु पराव बिशते बिश भारी देहर सही पर संपति देखी दुखित हो ही पर विपति बिसेखी जिनही राम तुम प्राण पियारे तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे स्वामी सखा पितु मातु गुरु
जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसम, सीय सहित दो भ्रात, अवगुण तजी सबके गुण गहनी, विप धेनु हित संकट सहनी, नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का, गुण तुम्हार समझन जे दोसा, जी सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागही जे, तेहि उर्बसहु सहित वैदेहि, जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजि तुम्हि रहहि पुरलाई, तेहि के हृदय रहउ रघुराई, सरगु नरकु अप बरतु समाना, जह तह देख धरे धनु बाना, करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मना, तोरा उर निज गे, एहि विधि मुनि वर भवन देखाए, बचन स प्रेम राम मन भाए, कह मुनि सुनहु भानु कुल नायक, आश्रम कहउ समय सुखदायक, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु, सैल सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बिहग बिहारु, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुर सरि धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक कोतक डाकिनी, अत्रि आदि मुनि बर बस बसही, करहि जोग जप तप तन कसही, चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई, रघुबर गए लखन भल काटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू, लखन दीख पय उतर करारा, जहु दिसि फिरेउ धनुष जी मिनारा, नदी पलच सर तम दम दाना, सकल कलुष कलि साउज नाना, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकै न घात मार मुट बेरी, अस कहि लखन ठाउ देखरावा, थलु बिलोकि रघुबर सुख पावा, रमेउ राम मन देवन जाना, चले सहित सुरथ पति प्रधाना, कुल की रात बेश सब आए, रचे परन त्रिन सदन सुहाए, बरनिन जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला, लखन जान की सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत, सोह मदनु बेश जनु, रति ऋतु राज समेत, अमर नाग किन्नर दिसि पाला, चित्रकूट आए थे काला, राम प्रणाम कीन सब काहु, मुदित देव लहि लोचन लाहु, बरषि सुमन कह देव समाजु, नाथ सनाथ भये हम आजु, करि बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए,
आवत देखी मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा मुनि रघु बर लाई उर लेही सुफल हो नहित आशीष देही सिय सौमित्रि राम छवि देखहि साधन सकल सफल कर ले कहीं जता जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद करही जोग जप जाग तप निज आश्रम सुचंद यह सुधि कोल की रातिन पाई हर से जनु नव निधि घर आई कंद मूल पल भरी भरी दोना चले रंक जनु डूटन सोना तिन मह जिन देखे दो राता अपर तिन ही पूछ ही मंगु जाता कहत सुनत रघुबीर निकाई आई सब नि देखे रघुरा ई करही जोहार भेंट धरी आगे प्रभु ही बिलो कही अति अनुरागे चित्र लिखे जनु जह तह टाड़े पुलक शरीर नयन जल बाड़े राम स्नेह मगन सब जाने कही प्रिय बचन सकल सन माने प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी बचन विनीत कही कर जोरी अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाय भाग हमारे आग मन राउर कोसल राय धन्य भूमि बन पंथ पहारा जह जह नाथ पाऊ तुम धारा धन्य बिहग मृग कानन चारी सफल जन्म भय तुम ही निहारी हम सब धन्य सहित परिवारा दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा इन बासु फल ठाऊ बिचारी इहां सकल ऋतु रहब सुखारी हम सब भांति करब सेवकाई करी के हरि अहि बाग बराई बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा सब हमारे प्रभु पग पग जोहा तह तह तुम ही अहेर खेलाओ सर निर्झर जल ठाउ दिखाओ हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचब आय सुदेता वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐना बचन की रातन के सुनत जिमि पितु बालक बैना राम ही केवल प्रेम पियारा जानि लेन जो जान निहारा राम सकल बन चर तब तो से कही मृदु बचन प्रेम परि पोसे विदा किए सिर नाई सिधाए प्रभु गुण कहत सुनत घर आए किसी समेत दो भाई बसही बिपिन सुर मुनि सुखदाई जब ते आही रहे रघुनायक तब ते भयो बनु मंगल दायक फूलही फलही बिटप विधि नाना मंजु बलित बर बेल पिताना सुर तरु सरिस सुभाय सुहाय मनहु बिबुध बन परिहरियाए गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी त्रिविध बयारी बहाई सुख देनी नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर भांति भांति बोलही बिहग श्रवन सुखद चित चोर करिके हरि कपि कोल कुरंग
का विगत बैर बिच रही सब संगा फिरत अहेर राम छवि देखी होई उदित मृग वृंद विसेखी विबुध विपिन जहां लगी जग माही देखी राम बनु सकल सिहाई सुर सरी सर साई दिन कर कन्या मेकल सुता गोदावरी धन्या सब सर सिंधु नदी नद नाना मंदाकिनी कर करही बखाना उदय अस्त गिरि अरु कैलासु मंदर मेरु सकल सुर बासु तैल हिमाचल आदिक जेते चित्रकूट जस गावहि तेते बिंदी मुदित मन सुख न समाई शम बिनु विपुल बड़ाई पाई चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप दिन जाती पुण्य पुंज सब धन्यास कहीं देव दिन राती नयन वंत रघु रही बिलोकी पाई जन्म पल को ही बिसोकी परसी चरण रज अचर सुखारी भय परम पद के अधिकारी तो बनु सैल सुभाय सुहावन मंगलमय अति पावन पावन महिमा कहिय कवनि विदितासु सुख सागर जहाँ की निवासु पय पयोधित अवध बिहाई जहाँ सी लखन राम रहे आई कही न सकहीं सुषमा जसी कानन जो सत सास हुई सहसानन तो मैं बरनी कहो विधि के ही डाबर कमठ की मंदर ले सेवही लखन करम मन पानी जाई न सील सने हूँ बकानी छिन छिन लखी सी राम पद जानी आप परने हूँ करत न सपने हूँ लखन चितु बंधु मातु पितु गे हूँ राम संग सी रहति सुखारी पुर परिजन गृह सुरति पिसारी छिन छिन पिय विधु बदनु निहारी प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी नाहने हु नित बढ़त बिलोकी हरसित राति दिवस झिमिको की सी मनु राम चरण अनुरागा अवध सहस सम बनु प्रिय लागा परन कुटी प्रिय प्रिय तम संगा प्रिय परिवार पुरंग विहंग सासु ससुर सम मुनि बर असनु अमी सम कंद मूल पर नाथ साथ साथ री सुहाई मयन सयन सय सम सुखदाई लोकप हो ही बिलोकत जासु देहि की मोहि सक विषय विलासु सुमिरत राम हित जहि जना त्रिन सम विषय बिलास राम प्रिया जग जननी सिया कछु न आचर जुतासु सिए लखन जेहि पेति सुख लही सोई रघुनाथ करही सोई कहानी कहीं पुरातन कथा कहानी सुनही लखन सिया अति सुखुमानी जब जब राम अवध सुधि करही तब तब बारी बिलोचन भरही सुमिरि मातु पितु परिजन भाई भरत सनेह सील सेवकाई कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी धीरज धरही कुसमय बिचारी लखसिय लखनु बिकल हुई जाही जिमी पुरुष ही अनुसार परिछाई प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन धीर कृपाल भगत उर चंदन लगे कहन कछु कथा पुनीता सुनि सुखुलहि लखनु अरु सीता राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेता दिमि बासव बस अमर पुरा
सची जयंत समेता जो गवाही प्रभु से अलख नहीं कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे से वही लखन सीय रघुबीर जिमिया विवेकी पुरुष शरीर तेही विधि प्रभु बन बसही सुखारी खग मृग सुर तापस हितकारी कहूं राम बन गवन सुहावा सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा फिर साधु प्रभु ही प्रभु पहुंचाए सचिव सहित रथ देखे सियाई मंत्री बिकल बिलो की निषादु कहीं न जाई जस भय विषादु राम राम सिय लखन पुकारी परे उधरनी तल व्याकुल भारी देखी दखिन दिसि हय ही नाही जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही नहीं त्रिन चरही न पियही जल मोचहि लोचन बारी व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाजी निहारी धरी धीरज तब कहीं निषादु अब सुमंत्र परिहरहु विषादु तुम पंडित परमारथ ज्ञाता धरहु धीरे लखि विमुख विदाता विविध कथा कही कही मृदु बाणी रथ बैठारे ऊपर बस आनी शोक शिथिल रथ सकई नहा रघुबर बिरह पीर उर बाकी चर फराही मत चलही न घोरे वन मृग मनहु आनी रथ जोरे अडक पर ही फिर रही पीछे राम वियोग विकल दुख तीछे जो कह राम लखन बैदे हिंकारी हिंकारी तहे कहीं तेही बाज बिरह गति कही किमि जाती बिनु मनि फनि कवि कल जेहि भाती भयउ निषादु विषाद बस देखत सचिव तुरंग बोली सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग गुरु गुह सारथी फिर पहुँचाई बिरहु विषादु परनी नहीं जाई चले अवध ते रथ ही निसादा तू ही छन ही छन मगन विसादा सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना दिग जीवन रघुवीर विहीना रही न अंत हूँ अदम शरीर जसु न लहे बिछुरती रघुवीरु भय अजस अघाजन प्राणा कवन हेतु नहीं करत पयाना अहु मंद मनु अवसर चूका अजहु न हृदय होती दुटूका बीज हाथ सिर धुनि पछिताई मनहु कृपन धन राशि गवाई बिरद बांधी पर बीरु कहाई चले उ समर जनु को बट पराई विप्र विवेकी वेद विदा सम्मत साधु सुजाति जिमे धोखे मद पान कर सचिव सोचते ही भाति जिमे कुलीन दिए साधु सयानी पति देवता करम मन बानी रह करम बस परिहरि नाहु सचिव हृदय तिनि दारुण दाहु लोचन सजल टीटि भई थोरी सुनई न श्रवण बिकल मति गोरी सुखई अधर लागी मुह लाटी जीवन जायुर अवधि कपाटी विवरण भयउ न जाई निहारी मारे सी मनहु पिता महकारी हानि गलानि विपुल मन व्यापी जमपुर पंत सोच जिमि पापी बचन आव हृदय पचिताई अवध काहु मैं देखब जाई राम रहित रथ देखे ही जोई सकुचि मोहि बिलोकत सोई धाई पूछी है मोहि जब
बिकल नगर नर नारी उतर देव मैं सब ही तब हृदय हृदय बाजु बैठारी कुछ ही दीन दुखित सब माता कहब काह में तिन ही विधाता पूछी जब ही लखन महतारी कहियो कवन संदेश सुकारी राम जननी जब आई दाई तुमरी बच्छु जिमी धेनु लवाई पूछत उतरु देव मैं तेही के बनु राम लखन बैदेही तोई पूछ ही ते उतरु देवा जाई अवध अब लेबा पूछही जब ही राव दुख दीना जीवन जातु रघुनाथ अधीना देहं उतर कौन मुह लाई आय कुशल कुंवर पहुँचाई सुनत लखन सिय राम संदेशु त्रिन जिमि तनु परिहरहि नरेशु हृदय न बिदरे पंकजिमि बिचुरत प्रीत मुनीरा जानत हो मोहि दीन विधि यहु जात ना शरीर एहि विधि करत पंत पछितावा तमसा तीर तुरत रखुआवा विदा किए करि विनय निसादा फिरे पाए पर पिकल बिसादा बैठत नगर सचिव सकुचाई जनुमारे सी गुरु बाभन गाई बैठी बिटप तर दिवस गवावा सांझ समय तब अवसर पावा अवध प्रवेश किन किन दियारे बैठ भवन रतु राखी दुआरे जिन जिन समाचार सुनी पाए भूप द्वार रथु देखन आए रथ पहचानी बिखली लखी गोरे गरही गात जिमी आतप ओरे नगर नारी नर व्याकुल कैसे निगटत नीर मीन गन जैसे सचिव आगमन सुनत सब बिकल भयो रनिवासु भवन भयंकर लागते मानहु प्रेत निवासु अति आरती सब पूछहि रानी उतरु न आव बिकल भई बानी सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा कहूं कान पुते नहीं बूझा दासिन दीख सचिव बिकलाई कौसल्या गृह गई लवाई जाई सुमंत्र दीख कस राजा अमीर रहित जनु चंदु बिराजा आसन तयन विभूषण हीना परे भूमि तल निपट मलीना ले सासु सोच एही भांति सुरपुर ते जनु खसे उच जाती लेत सोच भरी छिन छिन छाती जनु जरि पंक परे संपाती राम राम कह राम सनेही उनि कह राम लखन बैदेही देखी सचिव जय जीव कही कीने दंड प्रणाम सुनत उठे व्याकुल निपति कहु सुमंत्र कह राम रूप सुमंत्र लीन उर लाई बूढ़त कछु अधार जनु पाई सहित स्नेह निकट बैठारी पूछत राव नयन भरी बारी राम कुशल कहु सखा स्नेही कह रघुनाथ बैदे आने फेरी की बन ही सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए शोक बिकल पुनि पूछ नरेसु कहु सिय राम लखन संदेसु राम रूप गुण सीन सुभाऊ सुमिर सुमिर उर सोचत राउ राउ सुनाई दीदी बन वासु सुनि मन भयउ न हर सुम आसु सो सुत बिछुरत गए न प्राणा ओ पापी बड़ मोहि समाना
सखा राम सिंह लखन जहां तहां मुही पहुंचाओ, नाही नत चाहत चलन अब प्राण कहूं सती भाऊ। पुनि पुनि पूछत मंत्री राव, प्रियतम सुना सुवन संदेश सुनाऊ। करई सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन देखाओ। सचिव धीर धरि कह मेदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस हो ही गोसाई, बर बस राति दिवस की नाही। सुख हर सही जड़ दुख बिलिखाई, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़ी सोच सकल हितकारी। प्रथम वासु तमसा भयं, दूसर सुर सरि तीरा। नाहि रहे जल पानु करी, सिर समेत दो पीरा। केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रौर गहाई। होत प्रात बट छीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहे, बार बार पद पंकज गहे। कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करी अजनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाल आय सुकुशल देखन, पाय पुनि फिर आई हो। जननी सकल परितोषी, परि पर पाय करी विनती घनी। तुलसी करे सोई जतन, जेहि कुशली रही कौशल धनी। गुर सन कहब संदेशु, बार बार पद पदुम गही। करब सोय उपदेशु, जेहि न सोच मोहि अवध पति। पुर जन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हु बिनती मोरी। तुई सब भाति मोर हितकारी, जाते रह नर नाम सुकारी। कहब संदेश भरत के आए, नीतिन तजिय राज पद पाए। पाले हु प्रजहि करम मन बानी, से हु मात सकल समझानी। और निबाहे हु भाय पुगारी, करि पितु मातु सुजन सेवकाई। सात भाति तेहि राखब राऊ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ देवाई, कहई बन कह बिन तात लखन लरिकाई। कही प्रणाम कछु कहन लिया, सिय भई शिथिल सने। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देहा। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एही बाती, देखउ ठाड़ कुलिस पत्थरि छाती। मैं आपन किमि कहूं कलेसु, दियत फिरेउ ले राम संदेशु। अस कहि सचिव बचन रहि गयउ, हानि गलानि सोच बस भयउ। सूत बचन सुन तहि नर नाउ, परे धरनि उर दारुन दाहु।
तलपत विषम मोह मन मापा माजा मन वीन कहूं व्यापा कर बिलाप सब रोवहि रानी महाविपति किमि जाई बखानी सुन बिलाप दुखहुं दुख लागा धीर जहूं कर धीरत भागा भयों को लाहल अवध अति सुनि रिप राउर सोर विपुल बिहग बन परे उनसी नानहु पुलिस कठोर कान कंठ गत भयं भुवालु मन विहीन जनु व्याकुल व्यालु इंद्री सकल बिकल भई भारी जनु सर सर त्रिज बिनु बिनु बारी कौसल्यान कुदीख मलाना रवि कुल रवि अत यऊ जिय जाना उर धरि धीर राम मतारी बोली बचन समय अनुसारी नाथ समझु मन करी बिचारु राम वियोगी पयो दिय पारु करन धार तुम अवध जहाज चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजु धीरज धरिय तपाई पारु नाहि तबुड़ई तब बूढ़ई बूढ़ई सब परिवार जौ जिय धरिय विनय प्रिय मोरी राम लखन सिय मिलहि बहोरी प्रिया बचन मृदु सुनत रिपु चितयउ आँखी उघारी तलपत मीन मलीन जनु सींचत सीतल बारी धरि धीरज उठि बैठ भुआलु कह सुमंत्र कह राम कृपालु कहाँ लखन कह राम सनेही कह प्रिय पुत्र बधु बैदेही बिलपत राव बिकल बहु भाति भई जुग सरिस सिराति न राति तापस अंध ताप सुधि आई कौसल्य ही सब कथा सुनाई भयो बिकल बरनत इतिहासा राम रहित दिग जीवन आसा सोतनु राखी करब मैं कहा जेहिन प्रेम पनु मोर निबाहा हा रघुनंदन प्राण पीरीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते हा जान की लखन हा रघु पर हा पितु हित चित चातक जल दर राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघु पर बिरह राउ गयम सुर धाम जियन मरण पलु दशरथ पावा अंड अनेक अमल जसु छावा जियत राम विधु बदन निहारा राम बिरह करी मनन मरन सवारा शोक बिकल सब रो वही रानी रूप सीलु बल तेजु पखानी करहि बिलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारहि बारा बिल पही बिकल दास अरु दासी घर घर रुदनु करही पुर बासी अत यहु आज भानु कुल भानु धर्म अवधि गुण रीप निधानु गारी सकल कह के देही नयन विहीन कीन जग जेही तेही विधि बिल पत रैनी बिहानी आए सकल महा मुनि ज्ञानी तब वशिष्ठ मुनि समय समा कही अनेक इतिहास शोक निवारे सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश धावहु बेगी भरत पही जाहू निप सुधि कतहु कहाहु जनिकाहु इतने कहु भरत सन जाई गुर बोलाई पठ यहु दो भाई सुनि मुनि आय सुधावन आठाए चले बेग बरबाजि लचाए अनरथ अवध आरंभ जबते कुस गुन होहि भरत कहु तबते देखहि राति भयानक सपना जागि करहि कटु कोटि कल्पना विप्र जेवाहि देहि दिन दाना शिव अभिषेक करहि विधि नाना मांगहि हृदय महेश मनाई कुशल मातु पितु परिजन भाई तेहि विधि सोचत भरत मना धावन पहुँचे आई गुरु अनुशासन श्रवण सुनी
चले गणेश मनाई, चले समीर बेग है हाके, नागत सरिस सैल बन बाके, हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जान ही दिख जाऊ उड़ाई, एक निमेश बरस समझाई, एही विधि भरत नगर नियराई, अस गुण हो ही नगर पैठारा, नटहिक बाति कुटिक खेत करारा, कर सियार बोल ही प्रतिकूला, सुनी सुनी हो ही भरत मन सूला, श्री हत सर सरिता बन बागा, नगर उपिसेखी वया बन गाखा, सग मिग हय गए जाहिन जोय, राम वियोग कुरोग बिगोय, नगर नारी नर निपट दुखारी, मन हो सबनि सब संपति हारी, पुरजन मिलहि न कहहिं कछु, गवई जोहार नहीं जाय, भरत कुशल पूछी न सके, भय विषाद मन बाही, आट बाट नहीं जाय निहारी, जनपुर दह दिसी लागी दवारी, आवत सुत सुनी कह गय नंदिनी, हर सी रवि कुल जल रुह चंदनी, सजी आरती मुदित मुदित उठी धाई, बारे भेटी भवन ले आई, भरत दुखित परिवार निहारा, मानो तू ही न बनज बनु मारा, कह कही हर सित कह कही हर सित एही भांति, मनहु मुदित दवलाय के राती, सुतहि असुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछति नहीं हर कुशल हमारे, सकल कुशल कहीं भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुल कुशल भलाई, कहूं कहतात कहां सब भ्राता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता, सुनि सुत बचन सनेह मय, कपट नीर भरि नैना, भरत श्रवण मन सूल समा, पापिनी बोली बैना, तात बात मैं सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछकु काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पग उधारे, सुनत भरत भय बिबस बिसादा, जनु सह में उकरि के हरिनादा, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखन पायऊ तुही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोही, बहुर धीर धरी उठे सवारी, कहु पितु मरन हे तुम मतारी, सुनि सुत बचन कहती कह के, मरऊ पांच जनु माहुर दे, आदि हुते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी, भरत ही बिसरे उपितु मरन, सुनत राम बन को हेत अपन पौ जान जिया, थकित रहे धरि मोन, बिकल बिलो की सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोन लगावती, तात राउ नहीं सोचे जोगो, बिनहि सुकृत जस कीने भोगो, जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन तिधाए, अस अनुमान चा सोच परिहरऊ, सहित समाज राजपुर करऊ, सुनि सुटि सह मैं राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु, धीरज धरि भरि लेहि सासा, पापी ही सब ही भांति कुल नासा, जो पैकुर रची रही अति तो ही, जनमत काहिन मारे मुही, पेड़ काटी तय पालू सीचा, मीन जियन निति बारी उलीचा, हंस बंस दशरथ जनकु, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई, जो मैं कुमत जो तय कुमति कुमत जी ठयऊ, खंड खंड होय हृदय न गयऊ, बर मागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह परे न कीरा, धूप प्रतीति तोरी किम केनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी, विधुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघव गुण खानी, सरस सुशील धरम रत राहु, सो किमि जाने तीय सुभाहु, अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही, बेअति अहित राम देव तोही, को तू हसी सत्य कहु मोई, जो हसी सो हसी मुह मसिलाई, आखी ओट उठ बैठे जाई, राम विरोधी हृदय ते,
प्रकट कीन विधि मोही मोसमान को पात की बादी कहूं कछु तो ही सुनी शत्रुघ्न मात कुटिलाई जर ही गातर कछु न बसाई तेही अवसर कुबरीता आई बसन विभूषण विविध बनाई लकीर से भरे उलखन लग भाई भरत अनल घृत आहुति पाई मगिलात तकी कुबर मारा परि मुह भर मही करत पुकारा कुबर टूटे फूट कपारु दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु आह दहि मैं काहन सावा करत नीक फल अनिस पावा सुनिर पुहन लखी नख सिख कोटी लगे घसी तन धरी धरी झोटी भरत दयानि विदीन चढ़ाई कौसल्या पहि के दो भाई मलिन बसन बिवरन बिकल कृष शरीर दुख भार कनक कनक कलप भर बेली मन बन मानहु हनी तुसार भरत ही देखि माति उठि धाई मूर्छित अवनि परी जई आई देखत भरत बिगल भय भारी परे चरण तन दशा बिचारी मात तात कह दे ही दिखाई कह सी राम लखन दो भाई कह कई कत जनमी जग माझा जो जनमी तन भई काहे न बाझा कुल कुल अंकुजे जन में मोही अप जस भाजन प्रिय जन दो ही कोते भुवन मोहि सरिस अभागी गति असी तोरी मात उठे ही लागी तितु सुरपुर बन रघुबर के तू मैं केवल सब अनरथ हे तू दिग मोहि भयउ बेनु बेनु बन आगी दुसह दाह दुख दूसन भागी मातु भरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठी सभारी लिए उठाई लगाई लोचन मोचति पारी सरल सुभाय माए ही लाए अति हित मन हो राम फिर आए बेटे बहुरी लखन लघु भाई शोक सने हुनर दय समाय देख सुभाव कहत सब कोई राम मातु अस काहे न होई माता भरत गोद बैठारे आसु पोछ मृदु बचन उचारे अजहु बच बलि धीरज धरहु कुसमय समुझि शोक परिहरहु जनि मानहु ही हानि गलानि काल करम गति अघटित जानी काहु ही दोष देहु जनि ताता भामु ही सब विधि बाम विधाता जो ऐते तुम ही जियावा अजहु को जाने काते ही भावा पितु आयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर बिस्मऊ हरसुन हृदय कछु पहिरे बल कल चीर मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु सब कर सब विधि करि परितोषु चले बिपिन सुनि सिय संग लागी चरहिं राम चरण अनुरागी सुन तहि लखन चले उठि साथा रहिन जतन किए रघु था तब रघुपति सबई सिरुनाई चले संग सिय अरु लघु गाई राम लखन सिय बन ही सिधाए गई न संग न प्राण पठाए यह सब भा इन आखिन आगे तौन तजातन जीव अभागे मोहिन लाज निज ने उनिहारी राम सरिस सुत मैं महतारी जिये मरे भल भूत भूपति जाना मोर हृदय सत कुलिस समाना कौसल्यागे बचन सुनी भरत सहित रनिवासु व्याकुल बिलपत राज गृह मानहु शोक निवासु बिलपहि बिकल भरत दो भाई कौसल्या लिए हृदय लगाई भांति अनेक भरत समझाए कही विवेक मय बचन सुनाए भरत मातु सकल समुझाए कही पुराण श्रुति कथा सुहाई छल विहीन सुचि सरल सुबानी बोले भरत जोरी जुग पानी जे अग मातु पिता सुत मारे गाई गोट मही सुरपुर जारे जे अगतिय बालक बद कीने नित मही पति माहुर दीने जे पातक उपपातक आही करम बचन मन भव कवि कहि ते पातक मोहि विधाता जो यह होइ मोर मत माता जे परिहरि हरि हर चरण भजहि भूत गण घोर तेहि कही गति मोहि देउ विधि जो जननी मत मोर दे चहि वेद भ्रम दुहि लेहि
सुन पराए पाप कहीं दे कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोधी लोभी लंपट लो लुप चारा जेता कहीं पर धन पर धारा पावो मैं तिन कह गति घोरा जौ जननी यह सम्मत मोरा जेन साधु सक जेन ही साधु संग अनुरागे परमारथ पत विमुख अभागे जिन भजहि हरि नर तनु पाई जिनहि न हरि हर सुजस सुहाई तजसुति पंथु बामु पत पल चलहि बंचक बिरति बेस जग चलहि तिनके गति मोहि शंकर देऊ जननी जो यह जानो बेऊ मातु भरत के वचन सुनी ताचे सरल सुभाय कहती राम प्रियतात तुमा सदा बचन मन काय राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे तुम रघुपति प्राण हुते प्यारे विदुष चवै सवै हिम आगी तुई बारी चर बारी विरागी भय ज्ञान बन मिटै न मुहुरा तुम राम ही प्रतिकूल न हो मद तुम्हार यहु जो जग कहीं तो सपने सुख सुगति न लही अति कही मातु भरत ही लाए धन पैसा वही नयन जल चाय सरप बिखरत बिलाप बहुत ही भाति बैठे बीत गई सब राती वाम देव वशिष्ठ तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए मुनि बहु भाति स्मरत उपदेशे कही परमारथ वचन सुदेशे तात हृदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आज उठे भरत गुर बचन सुनी करन को संसायु सियावर रामचंद्र की जय। बहुत अच्छा पाठ किया। थोड़ा हमको लंबा हो गया, मतलब थोड़ा लंबा हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन हमें लगा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी मानस मंदिर में पहुंच के हम पाठ सुन रहे हैं। बहुत अच्छा पार्ट आपने किया अद्वरेश, बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत प्यारे हो तुम, बहुत प्यारे हो, बहुत सुंदर बेटा, और आपकी पीएचडी पूरी होकर कैसे हमें जुड़े रहे ऐसी हमेशा ऐसी हमारी शुभकामना है। विलम्ब होने के कारण आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से चरित्र को बिल्कुल बहुत बढ़िया चलता रहा, एक ही लय में भरत की मनोदशा का पढ़ रहे हो और भरत की मनोदशा का साक्षात चित्रण लगा एकदम देख सुनने में जो कुछ उन्होंने लिखा ही ऐसा है। बहुत सुंदर आपकी जो शैली थी वो इतनी सटीक लगी कि बिल्कुल उस पक्ष के साथ पूरा न्याय करती हुई दिख रही थी। और बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम प्रणाम करता हूँ। साथ में निवेदन है कि आप अपने माइक बंद कर लें ताकि आगे कार्यक्रम समीक्षा शुरू कर सके। आज के पाठ की समीक्षा आदरणीय डॉक्टर अम्बे कुमारी जी करेंगी और उनसे अम्बे कुमारी जी को आप जानते हैं, हम लोगों के साथ में रेगुलर जुड़ी हुई हैं और उनसे निवेदन करूंगा कि आज की समीक्षा आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर अम्बे कुमारी जी। जय सियाराम सभी को, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो आज का पाठ तो बहुत सुंदर रहा, मन को मोहने वाला, और सभी रामायण प्रेमियों और सभी श्रद्धालु भक्त जनों को मैं प्रणाम करती हूँ। हनुमान जी को और भगवान श्री राम जी को भी प्रणाम करती हूँ कि मुझे समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करें। आज का प्रसंग जो है वह बहुत ही सुंदर है। शुरुआती प्रसंग जो 124 दोहा से शुरू हो रहा है वह वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान श्री राम के आगमन के साथ ही शुरू हो रहा है और इसमें भगवान श्री राम को देखते ही महर्षि वाल्मीकि बहुत मन में प्रसन्न हो गए, उनके नए आंखों में अश्रु भर आए और उन्होंने भगवान श्री राम को एक प्राण प्रिय अतिथि जान करके, कुछ अतिथि आते हैं तो साधारण होते हैं लेकिन भगवान श्री राम ऐसे अतिथि हैं जो कि प्राण प्रिय हैं, उनके लिए महर्षि वाल्मीकि मीठे कंद मूल फल मंगवाते हैं और सीता राम जी ने उस फल को खाया तब महर्षि उनको विश्राम स्थल बताते हैं, आप विश्राम करिए। इसके बाद भगवान राम को हाथ जोड़ करके महर्षि वाल्मीकि के लिए भगवान श्री राम कहते हैं कि हे मुनि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और आपको यह संसार बेर पर रखे हुए, हाथ पर रखे हुए बेर के समान है, और अपनी सारी कथा महर्षि वाल्मीकि को बताते हैं। भगवान राम कहते हैं कि मेरे लिए तो
वन में आना सचमुच में बहुत ही सुखदायक और पुण्यों का फल है, क्योंकि पिता की आज्ञा, पहला तो पिता की आज्ञा, फिर माता का हित है इसमें, फिर भरत जैसे भाई को राज्य है, और मुझ जैसे इंसान, मुझ मेरे लिए और आपके दर्शन होला, ये सब मेरे लिए पुण्य का फल जागा है जो मैं इस जंगल में आया हूँ। हे मुनिराज, आपके तो दर्शन करने से हमारे पुण्य सफल हो गए और हमें कोई उद्वेग नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं, फिर इसके बाद कहते हैं भगवान श्री राम कि जिन राजाओं के यहाँ मुनि और तपस्वी लोग दुख पाते हैं, वे बिना आग के ही जल जाते हैं। यहाँ पर कितने अच्छे राजधर्म की व्याख्या भगवान श्री राम कर गए हैं, जो कि आज के समय में तो पूर्णतः प्रमाणिक है। आज के समय में जिस तरह से राजा लोग प्रजा को दुख दे रहे हैं और सिर्फ देश की संपत्ति को अपने यहाँ हड़प कर रखने में मशगूल हैं, यहाँ पर भगवान श्री राम कितने सुंदर तरीके से व्याख्या किए हैं कि जिन राजाओं और तपस्वियों कि जिन राजाओं के यहाँ मुनि और तपस्वी लोग दुख पाते हैं, वे बिना आग के ही जल जाते हैं, उनके लिए आग की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा मन में जान करके वह स्थान मुझे बताइए जहां मैं जानकी और लक्ष्मण के साथ रहूं, पत्तों और घास की कुटी बना करके। अब जो महलों में रहने वाला है वो कह रहा है कि कुछ ऐसा स्थान बता दीजिए मुझे जहां मैं पत्तों और घास की सुंदर कुटी बनाकर कुछ समय तक निवास करूं। भगवान श्री राम का यह प्रश्न मुझे रामायण के सारे प्रश्नों से बड़ा बहुत सबसे सुंदर लगता है, क्योंकि एक कितने भोलेपन से पूछ रहे हैं भगवान कि वो स्थान बताइए जहाँ की मैं रहूं। अब इस पे इससे भी सुंदर और भोला भाला उत्तर दे रहे हैं महर्षि वाल्मीकि कि बताइए आप जो कि हर जगह विद्यमान है, कणकण में विद्यमान है, जिसके बिना संसार और ब्रह्मांड का एक कण भी नहीं है, आप ही बता दीजिए कि आप कहाँ नहीं है। जहाँ नहीं है मैं वहां पर वहां जगह जगह आपको बता दूंगा। जितना सुंदर और भोला भाला प्रश्न भगवान श्री राम करते हैं, उतने ही सुंदर और भोले भाले तरीके से महर्षि वाल्मीकि उसका उत्तर भी देते हैं। कहते हैं महर्षि वाल्मीकि कि हे जगदीश्वर, आप वेदों के रक्षक हैं और जानकी जी माया है, यह संपूर्ण संसार को जानकी जी आपकी इच्छा के अनुसार रचती हैं, पालती हैं और संहार करती हैं। आप नेति नेति हैं और सारे संसार को आप देखने वाले हैं। और एक बात और यहाँ पर आई है कि वही जान सकता है जिसको आप जना दें, और जानते ही वह आपके समान हो जाता है। यहाँ पर इसका तात्पर्य यह है कि सब कुछ प्रभुमय है और प्रभु से विलग कुछ नहीं। जब भगवान अपने उस कृपा को, कटाक्ष को एक बार हमारे ऊपर ला देते हैं तो हम सचमुच में प्रभुमय हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। और इसके बाद आपका जो शरीर है वह चिदानंदमय है, साधारण शरीर से अलग है, माया शरीर से अलग है। आप तो खुद अपनी इच्छा अनुसार शरीर धारण करते हैं और अपनी जब माया को संसार में आपका काम पूर्ण हो जाता है तो आप सदा अपनी माया को तिरोहित करके अपना शरीर तिरोहित कर लेते हैं। तो यह बात, इस बात को तो केवल अधिकारी ही जानते हैं कि अपने मनुष्य और संतों के कार्य के लिए देह धारण किया है और आप प्राकृत राजाओं की तरह सारे काम करते हैं। भगवान के जो चरित्र है उसको सुनकर मूर्ख जन तो मोहित हो जाते हैं और ज्ञानी सुखी हो जाते हैं। तो ये आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो मैं आपको कहते हुए सकुचाता हूँ कि आप मुझे वो स्थान बता दीजिए जो मैं आपको, जहाँ आप नहीं है तो मैं आपको वह स्थान दिखा दूं। भगवान मुनि के प्रेम के वचन सुन करके मन ही मन सकुचा कर मुस्काए, क्योंकि अब उनका भेद तो मुनि जान रहे हैं कि वो कौन है, भले साधारण लोग न जानते हो। तो अब भगवान मुनि भगवान के रहने के स्थान का जो वर्णन कर रहे हैं वह सुन करके जो जो वर्णन बताए हैं वह इतना तृप्तदायक है और इतना आनंद भी भोर करने वाला है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप सुनिए कि वो कहाँ कहाँ रह रहे हैं, रहने के लिए कहते हैं। कहते हैं कि वो कान जिनके कान समुद्र के समान आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक नदियों से भरते हैं और तृप्त ही नहीं होते। भगवान की वाणी कितना भी बोलिए, कितना भी कथा कहिए, लेकिन जिसके कान कभी तृप्त नहीं होते, हे भगवान आप उनका घर वही है और जहाँ पर जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक की तरह बना रखा है। चातक जो चंद्रमा को देखता रहता है एक टक एक टक,
उसी तरह से जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है और सारे संसार का निरादर कर केवल अपने सुख केवल आपको देखने के लिए जिसका हृदय मंदिर है, आप हे रघुनाथ जी आप वहां पर वास कीजिए। इस तरह से बहुत सारे प्रसंगों को बताते हैं कि जो देवता गुरु और ब्राह्मणों को देख करके प्रीति से नम्रता पूर्वक शीश झुका लेते हैं, जो केवल दूसरों की भलाई में रहते हैं, हे रघुनाथ जी आप उनके उनमें वास करिए। जिनके चरण आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं उनके मन में वास करिए। जो अनेक प्रकार के तप तर्पण और हवन करते हैं उनके मन में वास करिए। इस तरह से कोई एक स्थान नहीं जहां पर इसका अर्थ है कि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जो स्थान आपके प्रेम पूर्ण भक्ति से एकदम निर्मल और पावन हो गए हैं, हे श्री रघुनाथ जी आप वहां पर वास करिए। जो सबका हित करने वाले हैं, जो सुख दुख बड़ाई और सब में एक समान है, वहां पर वास करिए। जो आपको सुनकर आपको छोड़कर जिसकी दूसरी गति नहीं है, जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं और पराया धन विष से भी बढ़कर विष मानते हैं, आप उनके हृदय में वास करिए। यह शब्द या लाइन आज के लिए भी बहुत प्रासंगिक है। जो घट रहा है संसार में पराई स्त्री को माता के समान, आजकल के लिए तो यह आदर्श है, चरम आदर्श है कि स्त्रियों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। यह महर्षि वाल्मीकि दर्शाते चलते जाते हैं कि भगवान श्री राम आप वहां पर रहिए। तो यह भाव जो है वह एक भक्त का, एक सरल, एक महान, एक निश्चल भक्त का जो भाव होता है उसको भी महर्षि वाल्मीकि प्रकट करते चले जाते हैं। कहते हैं कि हे भगवान आप स्वामी सखा तात पिता माता गुरु सब के सब हैं। तो जहां पर जिसके मन रूपी मंदिर में सीता ऐसा भाव है वह उसके मन मंदिर में आप वास करिए। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जिन्हें कभी कुछ नहीं चाहिए और जिनके मन में आपके लिए स्वाभाविक स्नेह है आप वहां पर वास करिए। तो इस तरह से सारे भावों को बताते हुए महर्षि वाल्मीकि अंत में कहते हैं कि इस समय के लिए आपको एक सुंदर स्थान बताता हूँ, एक सुंदर आश्रम बताता हूँ और वह आश्रम है चित्रकूट। आप वहां पर वास करिए। वहां पर अनेकों तरह के पशु पक्षी हिरण सिंह सब निवास करते हैं। यहाँ यानी इसका अर्थ यह है कि महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि चित्रकूट एक ऐसा पर्वत है जो प्रकृति के से परिपूर्ण है, प्रकृति के धन से परिपूर्ण है। यानी कि भगवान श्री राम को प्रकृति के बीच में जाने का उपदेश भी दे रहे हैं। वहां पर पवित्र पुराणों की नदी अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया द्वारा लाई हुई मंदाकिनी बह रही है जो कि सारे पापों को हरने वाली है। वहां पर मुनि रहते हैं वह जो योग तप करते हुए अपने शरीर को कसते हैं, संयम से रहते हैं और जिनकी तप की महिमा भारी है आप वहां पर चले जाइए, उस पर्वत श्रेष्ठ के पास चले जाइए और वहीं पर निवास करिए। इसके पश्चात भगवान श्री राम वहां पर एक बात और कहते हैं कि वह पर्वत ऐसा है, चित्रकूट एक अचल शिकारी है, किसके लिए, जो कि कलयुग के सारे पाप के को नाश करने वाला है और उसका निशाना कभी नहीं चूकता। इतना सुंदर वर्णन चित्रकूट के लिए किए हैं महर्षि वाल्मीकि। इसके बाद ले जाकर के लक्ष्मण जी ने वह स्थान दिखलाया, श्री राम जी ने उसको देखकर सुख पाया और उनका मन वहां पर रम गया। और जब भगवान श्री राम का मन चित्रकूट के लिए में रम गया तो सारे देवता लोग वहां पर आने शुरू कर दिए, क्योंकि वहां पर जगत पिता और जगन माता श्री राम जानकी निवास करते कर रहे थे। तो सब अपने प्रधान थवई के साथ, यानी कि जो अपने क्या कहते हैं, जो उनके प्रधान है इंद्र हैं, जो बना घर बनाने वाले हैं विश्वकर्मा जी हैं, सबके साथ वो सब उस कुटिया उस चित्रकूट के पास आए और कोल भील के रूप में आए और सुंदर पत्ते तथा घास से सुहावने घर बनाए, ऐसे सुहावनी कुटिया बनाई जो कि महलों से भी सुंदर हुए हैं। जो खुद विश्वकर्मा जी द्वारा बनाए हुए ऐसे सुंदर सुंदर कुटिया दो बनाए उन्होंने और जिसमें वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण रहे। इतना सुंदर वर्णन लिखा है। फिर इसके बाद उसको देख करके जब भगवान श्री राम वहां पर रहने लगे तो सारे नाग किन्नर दिक्पाल सब वहां पर आए और कहने लगे कि हम आपके आने से यहाँ पर अब सनात हो गए, अभी तक से हम अनाथ थे अब हम सनात हो गए। सारे लोग आए, भगवान श्री राम ने सबका सम्मान करके सबको विदा किया। इसके बाद जहां जहां यह खबर फैलती गई, जितने दूर दूर तक यह खबर फैलती गई कि चित्रकूट में भगवान श्री राम रहने आई हैं, तो जहां वनवासी सारे कोल भील जो भी सुने
सब दौड़े चले आए, सब प्रेम में मग्न है और भगवान श्री राम देखने के लिए एक एक बार देखने के लिए भगवान अरे कट गई थोड़ा सा देखना है फिर कट गई एक बार करना समीक्षा कर दे कितना बढ़िया का कट गई हमरा जुट करता नहीं सुनी के जवाब था नहीं ऊपर देख लो सन का हम अच्छे बाबा खोल का हो जवाब आवाज अब क्या अंबे जी आपकी आवाज आ रही है आ रही है असल बात है कि यहाँ पर वर्षा हो रही है और नेटवर्क बाधित हो रहा है इस वजह से मैं मुझे प्रॉब्लम हो रही है आ गए नहीं आप तो बोलते रहिए अब आ जा रही है आप कंटिन्यू करते रहिए ठीक 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 तो फिर इसके बाद सबने भगवान श्री राम को देखने के लिए सारे लोग आ गए और इसके बाद उन्होंने अपनी अपनी भेंट भी कुछ लाए थे एक निर्मल जो बच्चे की तरह जो भेंट होता है वो सारे कोल भील और वनवासी लोग लेकर आए कहते हैं तुलसीदास जी कि हे प्रभु आप वह पृथ्वी वन मार्ग पहाड़ धन्य है जहाँ पर आपने चरण रखे वो वनवासी धन्य है जिन्होंने आपके दर्शन किए और वो वनवासी लोग कहते हैं कि हम हाथी सिंह और बाघों से बचकर सब बचाकर सब तरह से आपकी सेवा करेंगे आप हमारे यहाँ यहाँ पर का सारा हो सारा ऊंची नीची भूमि पहाड़ सब कुछ हम लोग का देखा हुआ है आप जहाँ जहाँ चाहेंगे वहां वहां हम आपको परिवार सहित ले जाएंगे और हे मुनियों के रक्षक और वेदों के रक्षक भगवान श्री राम जी हम आपकी हर तरह से सेवा करेंगे। यहाँ पर एक बात कहते हैं तुलसीदास जी कि करुणा के धाम भगवान श्री राम भीलों के वचन इस प्रकार से सुनते हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। यहाँ इसका मतलब यह है कि भगवान श्री राम उन्हें छोटे बालक की तरह लगते हैं जो निर्दोष होते हैं। ये कहा कोल भी लिया पर कोई चालाक व्यक्ति नहीं है, बहुत ही निर्दोष व्यक्ति है, सुंदर निर्दोष बालक के समान है। इसलिए कहते हैं कि पिता जैसे बालक के वचन सुनता है उसी तरह से भगवान श्री राम कोल भीलों के वचन को सुने और उस वन में जब से भगवान श्री राम रहने लगे तब से वह वन मंगलदायक हो गया और हर जगह वहां पर सौंदर्य छा गया। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि संसार में जितने भी प्रकार के वन हैं, चाहे वो देव वन हो पृथ्वी के वन हो सब उस वन से ईर्ष्या करने लगे क्योंकि वहां पर भगवान श्री राम स्वयं रह रहे हैं। सारी नदियां उस मंदाकिनी नदी से ईर्ष्या करने लगी क्योंकि वहां पर भगवान श्री राम स्नान कर रहे हैं, वहां पर माता सीता रह रही हैं। तो ये यहाँ पर चित्रकूट के जो पशु पक्षी लता वृक्ष घास सारे पुण्य के समूह हो गए हैं, सब धन्य हैं। यहाँ पर तुलसीदास चित्रकूट की शोभा का वर्णन करते हुए आगे की ओर चलते हैं और कहते हैं कि वहां पर भगवान श्री राम जब रहने लगे तो केवल रह तो रहे हैं लेकिन कभी कभी लक्ष्मण जी का मन अयोध्या के पास भी चला जा रहा है, कभी कभी पुरानी बातों को याद करने लग रहा है। तो उसमें उस समय भगवान श्री राम उन्हें तरह तरह की कथाएं भी सुनाते हैं भगवान। लेकिन लक्ष्मण का मन जब जब श्री राम और सीता जी के चरणों को देखता है और अपने ऊपर स्नेह को याद करता है तो उन्हें कभी भी माता पिता और घर की याद नहीं आती है और सबकी सुधी भुला करके लक्ष्मण जी वहां पर प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, सीता जी भी प्रसन्नता पूर्वक रहती है, जैसे कि उन्हें अब किसी की याद नहीं आती। केवल और केवल जब उन्हें देखती है कि भगवान श्री राम हमसे अटूट प्रेम कर रहे हैं, नित्य स्नेह रहे हैं, तो वो उन्हें सब कुछ सारी बातें पुरानी बातें भूल जाती हैं और वो सारे तीनों प्राणी आपस में सुंदर कथाएं कहते हुए उस चित्रकूट पर्वत पर वास करने लगते हैं। जब जब दुखी होते हैं भगवान और या लक्ष्मण जी तीनों आपस में इतने समझदार हैं कि जब जब लक्ष्मण जी दुखी होते हैं तो भगवान श्री राम कथा करने लगते हैं विभिन्न तरह के, जब श्री राम जी दुखी होते हैं तो लक्ष्मण भी विभिन्न कथाएं कह करके उनके मन में प्रसन्नता लाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से
आपसी सहयोग और सौहार्द से वो तीनों उस पर्ण कुटी में वास करने लगते हैं। फिर आगे की ओर कथा चलती है कि जब भगवान श्री राम तो वहां पर इस तरह से सुखपूर्वक रहने लगे, लेकिन जब वहां पर सुमंत जी जब निषाद राज तक को लौटा करके जब सुमंत जी लौटते हैं रथ वहां पर निषाद प्रभु भगवान को पहुंचा कर निषाद राज लौटे तो उन्होंने सुमंत जी को रथ सहित वहीं देखा और मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद राज जी को वो कहा नहीं जा सकता नहीं, क्योंकि निषाद राज खाली लौट आए। सुमंत जी बहुत ही मन दुखी होने लगते हैं कि अब मैं कैसे अयोध्या जाऊंगा। यहाँ पर प्रश्न ये है कि उन्हें अब अपनी अपने मन में क्षोभ होने लगता है कि अब मुझे अयोध्या जाकर के इस वृतांत को कहना पड़ेगा कि भगवान श्री राम अब वन को चले गए, अब अयोध्या नहीं आएंगे। यह एक बहुत बड़ा कार्य, एक सबसे बड़ा कर्तव्य अब उन्हें हृदय पर वज्र रख करके कहना है। इस बात को लेकर के सुमंत जी बड़े दुखी होते हैं और भगवान श्री राम के शोक में केवल सुमंत जी ही नहीं अपितु उनके घोड़े भी दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि भगवान श्री राम का प्रेम एक अलौकिक प्रेम है जिसको कि लेकर के पशु पक्षी तक भी दुखी हो जाते हैं। न वो घोड़े घास चरते हैं, न पानी पीते हैं, न आंखों से केवल आंखों से आंसू बहा रहे हैं। तो निषाद राज कहते हैं कि जहां पर पशु इतने व्याकुल हो सकते हैं वहां पर मनुष्यों की क्या दशा होगी जिसके विरह में। तो यहां तक ये भाव पहुंच जाता है निषाद राज धीरे आते हैं कि हे सुमंत जी शोक को त्याग कीजिए, आप विधाता को विमुख जान करके इसको इस कर्तव्य को करिए। निषाद राज जी अनेक तरह से कथाएं कहते हैं ताकि वो शोक ना करें, लेकिन सुमंत जी के मन में बहुत पीड़ा थी और वो रथ हाँक ही नहीं पाते, घोड़े तड़पड़ाते हैं, सीधे भूमि पर चल नहीं पाते, सब एकदम विरह से व्याकुल हो रहे हैं कि अब भगवान श्री राम के बिना अयोध्या हम कैसे जाएंगे। खाली रथ देख करके माता पिता और पूरे अयोध्या वासी क्या करेंगे, वो क्या उन पर बीतेगी। सबसे पहले तो माता पिता के ऊपर क्या बीतेगी यह सोच करके ही सुमंत जी के मन में पछतावा हो रहा है और वो बार बार अपने मन को दिलासा देने की कोशिश करते हुए आगे चले जाते हैं। का रंग बदल गया है, ऐसा रंग बदल गया है जैसे कोई अपने माता पिता को मार करके आया है। उस तरह से सुमंत जी का मुख का रंग बदल गया है, मुख से वचन नहीं निकलते हैं, हृदय में पछता रहे हैं क्या कहेंगे हम। और इसके बाद आगे जब जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आगे जाते हुए पहले तो जब अयोध्या में घुसते हैं तो वो एक जगह चुपचाप छिप कर रहते हैं, एक पेड़ के नीचे वो सारी रात बिता देते हैं। और कि इसके बाद सुबह वो धीरे से नगर में जब रात में रात हो जाती है तो वहां पर अयोध्या में घुसते हैं और जाकर के सीधे अब वो जाना चाहते हैं राजा के महल में। वहां पर रानियां तब तक से दासियां उनको देख लेती हैं और वहां पर समाचार पहुंचाती हैं कि सुमंत जी आए हैं। रानियां सब दुख से पूछने लगी कि सुमंत जी कहां है भगवान श्री राम, लेकिन सुमंत जी के मुख से कोई उत्तर नहीं आता, उनकी वाणी रुक गई, कानों से सुनाई नहीं देता और आंखों से दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ ये है कि वह चरम दुख की स्थिति में है। जब मनुष्य चरम दुख की स्थिति में पहुंचता है तो उसकी ज्ञानेन्द्रियां भी काम करना बंद कर देती हैं। तो सुमंत जी उस स्थिति में है। अब सोचिए कि भगवान राम को हमेशा 14 वर्ष के लिए वन में छोड़ करके आना और यह समाचार सुनाना, ये कितना बड़ा कठिन दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं सुमंत जी। वो सीधे पूछते हैं कि महाराज कहाँ है बस। और इसके बाद वो कौशल्या दासियां उनको कौशल्या जी के महल में लिवा गई जहां पर कि राजा बैठे हुए थे। और राजा बैठे हुए थे तो राजा जब को देखा तो इस तरह से लगा जैसे कि राजा बिना जल के मछली जैसे कि व्याकुल हो गई हो, जैसे संपाती बिना पंखों में को जल जाने से गिर पड़े हो, वैसे राजा उस तरह से व्याकुल हो रहे हैं। सुमंत जी गए और जय जीव कह के दंडवत प्रणाम किया, आंखों में आंसू भर करके राजा को हृदय से लगा लिया और पूछे दशरथ जी की कहाँ है राम, कहाँ है सीता। इसके बाद उनका कुछ संदेश तो बताओ। तो भगवान कहते हैं, तो सुमंत जी कहते हैं कि हे महाराज, आप तो विद्वान हैं, धूर धीरंधर हैं और संसार में जितने भी जन्म मरण दुख
हानि लाभ है सबको जानने वाले हैं। आप मन में धीरज रखिए, मैं आपको श्री राम जी की सारी कथा बताता हूँ। श्री राम जी का पहला दिन जो है वो तमसा नदी के तट पर और गंगा के किनारे व्यतीत हुआ। वहां पर वो दोनों भाई और सीता जी के साथ स्नान करके केवल पानी पीकर ही रह गए। फिर केवट ने उनकी बहुत सेवा की और वह रात्रि उन्होंने श्रृंगेरपुर में बिताई। और फिर प्रातः काल होते ही वो बड़ का दूध मंगाकर अपने सिर पर जटाओं का मुकुट बनाया और फिर राम जी ने निषाद से नाव मंगवाई। उस नाव पर सीता जी को चढ़ाकर राम जी चढ़े और हमको आपके लिए कुछ संदेश दिए कि पिताजी से कहना कि आप मेरी चिंता न करें, उनके पिताजी के आशीर्वाद से और उनके पुण्य प्रभाव से मेरे मन का मार्ग मंगल और सुखदायक रहेगा और फिर मैं आपके अनुग्रह से वन में जाकर सुख पाऊंगा और आप 14 वर्ष के बाद फिर लौट करके जरूर आऊंगा, आप कुशल रहिएगा। सारे संदेश राम जी के भगवान सुमंत जी दशरथ जी से कहते हैं कि भरत के आने पर उनसे यह संदेश कहना कि वे राज्य पाकर नीति को न त्याग दें और मन वचन कर्म से प्रजा का पालन करें और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करें, वो मेरी सोच बिल्कुल भी ना करें। लक्ष्मण जी जो कि हमेशा कुछ कड़े वचन बोलते हैं, वो कुछ कड़े वचन कहने लग गए तो राम जी ने उन्हें रोक दिया और रोक करके फिर समझाया और कहा कि लक्ष्मण का लड़कपन न कहना। लक्ष्मण को हमेशा वो छोटा बच्चा की तरह मानते हैं, इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मण का लड़कपन वहां पे न कहना, कि लक्ष्मण जी थोड़ा सा खिसिया गए थे। और इसके पश्चात सीता जी भी कुछ कहने को हुई लेकिन उनका शरीर इतना रोमांचित हो आया कि उनके मुख से वचन ही ना निकला। एक पुत्र वधु इस कठिन विपत्ति में क्या कह सकती है, बस उसके नेत्रों में जल भर आया, बस कुछ कह नहीं पाई। और इसके बाद राम जी का संकेत समझ करके केवट ने नाव चला दी और वो तीनों प्राणी मेरे देखते देखते नदी के आगे आगे बढ़ते चले गए और हमारे आंखों से दूर हो गए। जब सुमंत जी के ऐसे वचन राजा सुने तो वो धरती पर गिर पड़े और इन हृदय में बहुत पीड़ा हुई। वो राजा व्याकुल होकर तड़पने लगे। जब राजा को ऐसा व्याकुल देखे तो देखिए रानियां लोग, तो वो लोग भी तड़पने लगी। जब सारे लोगों का धीरज छूट गया, राजमहल में रोने का स्वर सुनकर अयोध्या में कोहराम मच गया। ऐसा लगा कि जैसे उस रात अयोध्या पर कठोर वज्र आ गिरा हो। राजा के कंठ मानो प्राण में आ गए, जैसे मणि बिना साप व्याकुल हो जाता है। तो इसके बाद कौशल्या जी समझाती है कि हे राजन, आप इस तरह से धीरज खोइएगा तो परिवार का क्या होगा, सारा परिवार डूब जाएगा, इसलिए आप विनती करके मन में धैर्य धारण करिए तो राम सीता लक्ष्मण फिर आ मिलेंगे। जिस तरह से पत्नियां अपने पति को समझाती हैं अक्सर, उसी तरह से कौशल्या उनको धीरज देने का प्रयास कर रही हैं, परंतु राजा के मन में अब धैर्य नहीं है, वह बस राम जी को देखना चाह रहे हैं। और अंततः राजा कहते हैं कि राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मेरी प्यारी पुत्र वधु जानकी कहाँ है। और इसके बाद वह सारी कथा बताते हैं कि कैसे एक बार मैं पिछले बार कुछ अपने जब मैं युवा था तो कैसे मैंने श्रवण कुमार का वध किया था और इसके पश्चात उनके माता पिता ने मुझे श्राप दिया था कि जो तुम्हारी भी मृत्यु उसी तरह से होगी, पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर वो सारी कथा वो कौशल्या जी को सुनाते हैं। और इसके बाद कहते हैं कि अब उस इतिहास को वर्णन करने के बाद कहते हैं कि अब राम के बिना मैं जी नहीं सकता, मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं शरीर को रखकर क्या करूंगा। इसके बाद वो राम राम कह करके, रघुनाथ रघुनाथ कह करके, लक्ष्मण कह करके, सीता कह करके अंततः अपने प्राण को त्याग करके देवलोक की ओर चले जाते हैं। इस तरह से दशरथ जी अपने जन्म का और मरण दोनों का फल पा लेते हैं, क्योंकि जब तक से वो जिए भगवान राम को देखकर जिए, और मरे तो जैसे ही भगवान राम आंखों से विलोपित हुए उन्होंने अपने शरीर को तिनके के समान त्याग दिया। इस तरह से भगवान दशरथ जी मृत्यु को प्राप्त हुए और सारी रानियां और सारी प्रजा अब व्याकुल हो गई। अब सब लोग शोक में डूब गए कि भगवान राम भी चले गए, राजा की भी मृत्यु हो गई और सब लोग कैकई को गाली देने लगे कि इसने संसार को नेत्रहीन कर दिया। इस तरह से विलाप करते करते जब रात्रि बीत गई तो प्रातः महर्षि वशिष्ठ आए और उन्होंने अपना ज्ञान का
कि अपने सारे बहुत सारी कथाएं कह करके सबके दुख को दूर करने का प्रयास किया। फिर वशिष्ठ जी ने नाव में तेल कर भर के उसमें दशरथ जी को शरीर को रखवा लिया और दूतों को बुलाकर कहा तुम लोग दौड़कर भरत जी के पास जाओ, परंतु राजा के मरने का समाचार किसी से नहीं कहना। उन दोनों भाइयों को बुलाने के लिए केवल आदेश दिया गया। और फिर भरत जी के भी मन में जब वहां पर वो रह रहे थे तो उस समय उनके भी मन में तरह तरह की बातें उठ रही थी। ये यहाँ पे घट रहा हो तो निश्चित रूप से जो इंसान कहीं जुड़ा रहता है अपने परिवार से तो उसके मन में आशंकाएं पल जन्म लेने लगती हैं। तो भरत जी के भी मन में ये जो अयोध्या में सारी बातें घट रही थी तो उसका आभास उन्हें मिलना शुरू हो गया था। तो जब भरत जी लौट चलते हैं अयोध्या की तरफ आते हैं तो उन्हें अयोध्या विचित्र मालूम पड़ती है। सारे अयोध्यावासी मार्ग में मिलते हैं, कुछ कहते नहीं है, चुपचाप प्रणाम करके चले जाते हैं। सबके मन में जैसे घोर दुख से दुखी हो उस तरह का भाव प्रकट हो रहा है। उनके मन में सोच होने लगता है। जब वो अपने महल में आते हैं तो कैकेयी को पाते हैं और तो बहुत प्रसन्न होकर के दौड़ी चली आती है और द्वार पर ही मिलती है और उनको ले जाती है अपने महल में। तो सोचते हैं कि इस तरह से बहुत सारी घटनाएं उन्हें सारी चीजें उल्टी पुल्टी लगती है। तो भरत जी अपने मन में अपनी सोच करने लगते हैं बात क्या है। पुत्र के वचन सुन करके कैकेयी के मन में शूल के समान चुभने वाली पापनी कैकेयी बोली। देखिए यहाँ पर भले तुलसीदास जी लिख रहे पापनी कैकेयी तो ये सब तो तात्कालिक बातें हैं, लेकिन कैकेयी ना होती तो शायद राम श्री राम ना होते, शायद राम मर्यादा पुरुषोत्तम ना बनते। लेकिन फिर भी तथाकथित समय के अनुसार, तात्कालिक समय के अनुसार तुलसीदास जी वर्णन करते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा भी सहायक हुई, परंतु विधाता ने कुछ बात बिगाड़ दी, वह यह कि राजा देवलोक को सुधार गए। तो यहाँ पर राजा के जब मरने की बात सुनते हैं, पिता के मरने की बात सुनते हैं तो भरत जी एकदम सहम गए, क्या हो गया ये। फिर पूछे कि पिताजी के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र के वचन सुन करके कैकेयी मानो ऐसे कर बात बोली जैसे मर्म स्थल को काट कर उसमें विष भर दिया गया हो। तो कहती है, सारी बातें बताती हैं। जब श्री राम जी का वन में जाना सुनते हैं भरत जी तो पिता का मरण भूल गए। अब उससे भी बड़ा जब दुख उपस्थित हो जाता है मनुष्य के ऊपर, यदि कोई दुख आता है उससे भी बड़ा यदि कोई दुख आ जाए तो मनुष्य पुराने वाले दुख को भूल जाता है। दशरथ जी की मृत्यु बहुत बड़ा दुख था। पिता की मृत्यु किसी पुत्र के लिए बहुत बड़ा दुख होता है, परंतु राम जी जैसे भाई का वन में जाना, जो कि अब अगला मतलब कि पिता के समान जो राम है अब वो भी चले गए, तो ये सुन करके तो अब भरत जी का सोच ही नहीं पाए कि अब क्या होगा, वो क्या देख रहे हैं। मेरे केवल ननिहाल चले जाने पर इतनी बड़ी घटना घट जाएगी वो तो इसकी कल्पना करके भी नहीं गए होंगे। और बोले कि राजा तो जीते ही जीते, कह कही बोली कि राजा तो जीते ही जीते, सारे फल पा लिए और मरकर इंद्रलोक को चले गए। यह सुन करके राजकुमार बहुत सहम गए और बोले कि यदि तेरे मन में ऐसी ही इच्छा थी, माता को बोले ऐसी तेरे मन में ऐसी ही बुरी इच्छा थी तो तूने मुझे जन्मते ही क्यों ना मार डाला। आखिर सूर्य कुल में जो कलंक लगाने का मेरे ऊपर लगेगा कलंक कि भरत के कारण ऐसा हुआ, तो ऐसा तूने होने क्यों दिया, मुझे जन्मते ही मार दिया होता। तो बहुत तरह की बातें बोलते हैं अपनी माता को, बहुत बुरा कहते हैं कि हे अरिक बुद्धि, जब तूने विदुष्ट विचार ऐसा ठाना था तभी तुम्हारे हृदय के टुकड़े क्यों ना हो गए, तुम्हारे जो तुमने विश्वास कैसे कर लिया, राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, विधाता ने मरते समय उनकी बुद्धि हार ली। इस तरह से बहुत सारी बातें वो कैकेयी को कहते हैं और कहते हैं कि जो श्री राम जी तुम्हारे शत्रु हो गए, तू बता कि अब मैं तुम्हारे साथ कैसे बैठ कर वार्तालाप करूं, किस मुंह से तुम्हें माता कहूं, तुम तो श्री राम जी का विरोधी मुझे बना दिया। मैं श्री राम जी का विरोधी नहीं हूँ लेकिन तुमने मुझे अनजाने में श्री राम जी का विरोधी बना दिया, सारी बातें कहने लगे। उसी समय मंत्र आई और उनकी बहुत खुशी की बात होगी कि अब शायद भरत जी खुश हो रहे होंगे, लेकिन वो आई तो बहुत भरत जी को और शत्रुघ्न जी को तेज गुस्सा आया। शत्रुघ्न जी उसी समय उसे एक लात लगाए और जिसके उसके गिर गई, गिरने के साथ उसका जो कुबड़ है वो टूट गया, माथा फूट गया, दांत टूट गया, मुंह से खून बहने लगा, लेकिन भरत जी ने बीच में आकर के उन्हें बचा लिया। भरत जी धैर्य के अवतार हैं, इसलिए वो
इस तरह से भगवान श्री राम के बड़े छोटे भाई होने का अपना फर्ज निभा रहे हैं और मंथरा को बचा लिए। इसके बाद कहते हैं कि भरत जी कौशल्या जी के महल में जाते हैं, वहां पर अपनी गलती से क्षमा मांगते हैं, अपने अपने आप को ग्लानी से कौशल्या के सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि कई संसार में क्यों जन्मी और जन्मी भी तो निपुति क्यों ना हुई, मुझे जन्म दे करके उसने मुझे जन्म ही क्यों दिया भगवान श्री राम का विरोधी बनने के लिए। और इसके बाद कौशल्या उन्हें समझाने लगी कि ये सब विधाता का खेल है और अपनी बहुत सारी बातें और कौशल्या जी के धैर्यपूर्ण बातें सुन करके भरत जी के मन में उनका मन थोड़ा सा थमा। और इसके बाद सारी बातों को भरत जी कहते हैं। इसके पश्चात अब समाप्ति की ओर है। इसके बाद भरत जी राजा कोई बात नहीं समापन कराएंगे। हाँ हाँ ठीक है। तो इसके पश्चात वशिष्ठ जी भी समझा करके और यहाँ पर भरत जी को समझाते हैं और कहते हैं कि जो सारी बातें तू मन में शोक न करो और सारी बातें जो हानि लाभ जीवन मरण है वो सब विधि के हाथ में है। और इसके पश्चात उनको बहुत तरह के उपदेश देकर उन्हें धीरज धरने के लिए कहते हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ पर अपनी समीक्षा का समापन करते हैं। आप लोग को जैसे भी हुई मैंने अपनी समीक्षा की और धन्यवाद। आपने तो बहुत बढ़िया किया, बहुत सुंदर, मजा आ गया, बहुत ही अच्छा, धन्यवाद। अंबे जी आपने अच्छा बोला, लंबा बोला मगर अच्छा बोला, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, सुंदर समीक्षा। अच्छा बहुत अच्छा रहा अंबे जी, बधाई। अच्छा रहा अंबे जी, बधाई बधाई, बहुत धन्यवाद अंबे और द्वरेश, आप दोनों को इतना बड़ा करुणा में प्रसंग था और उसी करुणा वाले भाव से द्वरेश ने पाठ किया। पाठ करते समय यह मैं समझता हूँ बड़ा आवश्यक है कि पाठ में कथा वस्तु क्या है उसको समझें तब पाठ करें, तो वो भाव स्वयं आ जाता है। अब दशरथ मरण हो रहा और हम लोग ऐसे पाठ कर रहे हैं कि जैसे शादी हो रही हो, ऐसी आवाज निकले तो उससे हो रहा, तो वो वाली फिर वो आनंद नहीं आता। वो तभी होता है कि जब हम उसको समझ कर उसका पाठ करें। तो कई बार मैंने यहाँ देखा है अखंड रामायण पाठ वगैरह होती है तो दशरथ मरण का प्रसंग है, इतना करुणामय प्रसंग है तो लोग वहाँ तालियां बजाते हैं जैसे कि जैसे कोई कोई शादी हुआ हो रहा हो, तो बहुत दुख होता है। वेरी ब्यूटीफुल एंड अम्बे आपने बड़ा अच्छा संक्षेपण किया। तकनीकी प्रॉब्लम तो रही पर मुझे पता है आपके यहाँ हमेशा ये थोड़ा सा समस्या रहती है, तो धन्यवाद आप दोनों को और हमारे लाल साहब को जो इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं। मैंने एक जो रामायण अध्ययन क्लास की मैं बार बार बात करता हूँ यहाँ पर, आप कई लोग उस क्लास में जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं क्योंकि अभी तो सर्टिफिकेट वितरण बाकी है, तो उसका जो प्रमाण पत्र है हमने ये निर्णय लिया है कि उसको हम रामचरित मानस में डिप्लोमा कहेंगे। कई लोगों को कंसल्ट किया, ऐसा ही नहीं है कि ऐसे ही हमने ऐसे बैठे बैठे एकदम सपने में सोच लिया। वी हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस, एकोमोडेशन को कंसल्ट किया, कई हिंदी के विद्वान को कंसल्ट किया है, तब जाके ये निर्णय लिया है। कुछ लोगों को आपत्ति है कि डिप्लोमा तो अंग्रेजी शब्द है, तो अगर ऐसी आपत्ति है तो आजकल तो इंडिया और भारत में ही का विवाद पड़ा हुआ है इन देश में कि इंडिया देश का नाम ही नहीं है, तब तो बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ जाएंगी। आप जब रेलवे का टिकट खरीदेंगे तो टिकट को आप क्या कहेंगे, रेलवे को आप क्या कहेंगे, बस को आप क्या कहेंगे, रिक्शा में बैठ के जा रहे हैं उसको क्या कहेंगे, तो ये सारे शब्द हिंदी भाषा में आ चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदी के विद्वान कह रहे हैं, ये जो बड़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है उसके जो हिंदी के डिपार्टमेंट के डीन हैं उन्होंने उनका ये अभिप्राय कि डिप्लोमा शब्द अब हिंदी में ऐसा ही है जैसा कि जो और शब्द हैं, तो उनका उनका भी ये कहना था कि डिप्लोमा शब्द उचित है, इसका आप हिंदी हम ढूंढ डांट सकते हैं और जबरदस्ती थोप सकते हैं, किसी को समझ में नहीं आएगा, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। पर हाँ इसमें किसी को आपत्ति हो, मैं तो विद्यार्थियों को कह रहा हूँ, जो विद्यार्थी नहीं है उनसे इससे कोई मतलब ही नहीं है, जिन्होंने ये कोर्स सफल किया है, सफलता को उत्तीर्ण किया है, जिनको प्रमाण पत्र मिलने वाला है, उनमें से अगर किसी को आपत्ति हो
इसमें वो कुछ कहीं किसी का प्लीज आओ कर लो बार बार आकर कह रहा है कि हम दोबारा कोर्स करना चाहते हैं, तो मैंने कुछ शिक्षकों से बात की और उन्होंने सहमति दी है, तो ये दोबारा कोर्स विल स्टार्ट इन अक्टूबर मोस्ट प्रोबेबली इनिशियल चर्चा कोर्स करीब करीब वही रहेगा, थोड़े बहुत परिवर्तन होंगे छोटे मोटे, कोई बहुत विशेष तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एडवांस्ड कोर्स, जो कोर्स था वही कोर्स है रामचरित और उनसे मीटिंग विद देम दिस वीक और नेक्स्ट वीक, और फिर उसका वही प्रोसीजर होगा गूगल फॉर्म एंड ऑल दैट स्टफ, तो जो आप कोर्सेज को दोबारा लेना चाहें या पहली बार लेना चाहें और लोगों को बताना चाहें तो डेफिनेटली अनाउंस इट, बट कोर्सेज फॉर सीरियस पीपल दो जो बिल्कुल सीखना चाहते हैं और उन लोगों के लिए नहीं जो तफरी करते करते आगे चलो या कोर्स चल रहा है बैठ जाते हैं थोड़ी देर या सो विल टॉक मोर अबाउट इट लेटर ऑन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद लाल साहब आपने इस सप्ताह आपका संचालन आज चौथा दिन था ना चौथा दिन पूरा हो गया, आपके आशीर्वाद से आपने मैं अवसर प्रदान किया, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। चार दिन मैंने संचालन किया, मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो आप लोग अपना समझ के मुझे क्षमा करिएगा, और इस तरह से आज का एक कार्यक्रम पूरा होगा। मैं आज के पाठ करने के लिए आदरणीय श्री अध्वरेश पांडे जी एवं समीक्षा के लिए आदरणीय डॉक्टर अंबे कुमारी जी का हृदय से आभारी हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। समापन हम शांति पाठ से करेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय जय सीताराम।